कौन है रामदास सोरेन? रामदास सोरेन संथाल समुदाय से आते हैं। वे पूर्व सिंहभूम में जेएमएम के जिलाध्यक्ष भी हैं। अलग राज्य के आंदोलन का हिस्सा रहे रामदास कई बार जेल भी गए हैं। रामदास सोरेन ने 2005 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद 2009 में जेएमएम के टिकट पर घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और 1192 वोटों से जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में रामदास को हार का सामना करना पड़ा। 2020 के चुनाव में रामदास ने हार का बदला लिया और लक्ष्मण टूडू को हराकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। राज्य में जेएमएम की सरकार बनी लेकिन रामदास को कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी क्योंकि कोल्हान इलाके से चंपाई बड़े नेता माने जाते हैं और उन्हें हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। झारखंड की राजनीति में उथल पुथल मची है। दिग्गज आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कह दिया है और बीजेपी की तरफ रुख कर लिया। ऐसे में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के सामने संकटों का पहाड़ खड़ा हो गया है। एक तरफ दिग्गज नेता के साथ छोड़ने से गहरा झटका लगा तो दूसरी तरफ कोल्हान जैसे बड़े आदिवासी बेल्ट में ऑल इज वेल का संदेश पहुंचाने की चुनौती है। फिलहाल जेएमएम ने काट ढूंढ ली है और घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन को आगे करने की तैयारी भी कर ली है। संथाल आदिवासी समाज को साधने की कोशिश। देखिए, ये तो आप लोगों को देखना चाहिए कि ये सिर्फ चुनावी वर्ष में नहीं, जब से ये सरकार बनी है तब से हमारे विपक्ष वालों ने हमेशा झारखंडी सरकार को हिलाने का प्रयास किया है और आखिर तक आप देख सकते तो इनकी मंशा बहुत जग जाहिर है कि जब से ये सरकार बनी है, महागठबंधन की हेमंत जी की अगुवाई में सरकार बनी है, इन लोगों को रास नहीं आ रहा है। लेकिन अब चुनाव करते करते हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं ये 5 साल में और अब चुनाव आने वाला है, जनता सब देख रही है और जनता को सब पता है कि इस बार किसको चुनना है। तो आज के दिन के लिए तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मेरे बड़े भाई हैं और इनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपको बता दें कि रामदास सोरेन ने राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। वे मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री हो गए हैं। दरअसल चंपाई के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री का पद खाली हो गया था। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आने के बाद रामदास सोरेन रांची पहुंचे और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। रामदास को चंपाई सोरेन का करीबी माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत ने रामदास को मंत्री बनाकर न सिर्फ बगावत थामने के लिए बड़ा कदम उठाया है बल्कि संथाल आदिवासी समाज को भी साधने की कोशिश की है। हेमंत ने चला है बड़ा दांव। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को अस्थिर करना चाहती है उसका एक ताजा तरीन उदाहरण ये भी है। बार बार इस तरह की हरकत करके कहीं ना कहीं जो झारखंड के विकास की गति है उसको बाधित करना चाहती है और इस तरह की बातें सामने आती है। चंपई सोरेन जी ने भाजपा का दामन थामने का फैसला लिया, उपरांत हम लोगों ने ये तय किया रामदास सोरेन मंत्री होंगे, विकास की गति को हम बाधित नहीं होने देंगे चाहे भारतीय जनता लाख प्रयास करे। और आपने देखा कि उन्होंने कल इस्तीफा दिया और आज हम लोगों ने शपथ ग्रहण करा दिया है क्योंकि अब 5 साल पूरे होने वाले हैं सरकार के, बहुत सारे काम हैं उसको भी पूरा करना है। रामदास जी हम लोगों के सरकार के मंत्री के रूप में आज इन्होंने शपथ लिया है, मेरी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। जानकारों का कहना है कि हेमंत सोरेन का पूरा फोकस कोल्हान इलाके में संगठन का दबदबा बनाए रखने पर है। हेमंत जानते हैं कि कोल्हान में चंपाई का प्रभाव है और संथाल समाज से आते हैं। वे 44 साल के करियर में पार्टी कार्यकर्ता से लेकर सीएम पद तक पहुंचे। यही वजह है कि हेमंत ने चंपाई की बगावत से लेकर ब्रेकअप पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है और चुप्पी साधे हुए हैं।
चंपाई पुराने और मंझे हुए नेता हैं। ऐसे में हेमंत चंपाई की अगली रणनीति को समझने की कोशिश में लगे हैं। माना जा रहा है कि चंपाई की बगावत से कोल्हान में जेएमएम को नुकसान और बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है, इसलिए हेमंत ने संथाल समाज से आने वाले रामदास सोरेन को मंत्री बनाने का दांव खेला है। चंपाई की तोड़ के रूप में देखे जा रहे रामदास। जानकारों का मानना है कि रामदास सोरेन को कैबिनेट मंत्री बनाकर न सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिले को महत्व दिया है, बल्कि कोल्हान इलाके को साधने का प्लान पर भी काम शुरू कर दिया है। इसे चंपाई के तोड़ के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी रामदास को कोल्हान में अपना वोट बैंक मजबूत करने का काम सौंपेगी। हालांकि इस प्लान से जेएमएम को कितना फायदा या नुकसान होगा, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। चंपाई का कोल्हान में खासा प्रभाव। रामदास सोरेन घाटशिला से विधायक है। ये विधानसभा पूर्वी सिंहभूम जिले में आती है। कोल्हान मंडल में तीन जिले पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम आते हैं। इन तीनों जिलों में 14 विधानसभा सीटें हैं। चंपाई सोरेन का खासा प्रभाव है। अभी जेएमएम के पास कोई बड़ा नेता नहीं है जो चंपाई का विकल्प बन सके। चंपाई की संगठनात्मक क्षमता का झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमेशा फायदा मिलता रहा है। 2020 के चुनाव में जेएमएम ने कोल्हान इलाके की 14 में से 11 सीटें जीती थी। दो सीटें अलायंस में सहयोगी कांग्रेस को मिली थी। एक सीट पर निर्दलीय सरयू राय का कब्जा रहा था, बीजेपी के हाथ खाली रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास गुहार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि बीजेपी को कोल्हान इलाके में मजबूत आदिवासी नेता की तलाश रही है। अब चंपाई के जरिए बीजेपी न सिर्फ 14 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है, बल्कि जीत का सिलसिला भी शुरू कर सकती है। चंपाई इससे पहले एनडीए सरकार का हिस्सा भी रहे हैं। वे सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 2019 में परिवहन और पिछड़ा कल्याण मंत्री भी रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।